जब आप लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, हाय सुधीर भाई, मैं स्कैम से बच गया, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ और मैंने उसको ब्लॉक करा, उसकी प्रोफाइल रिपोर्ट करी, तो वो मैसेज ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आ रहा है, और वो पढ़ के मुझे बेहद खुशी होती है, भले ही मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ या नहीं। हालांकि 99% से ज़्यादा लोगों को मैं मैसेज इसके रिप्लाई करता हूँ, पर जब मेरे पास मैसेज आता है कि सुधीर भाई मेरे 10,000 चले गए, मेरे 15,000 चले गए, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लास्ट 3 महीने से, तो सीरियसली बता रहा हूँ, शब्द नहीं होते, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मैं कि किसी के साथ भी ये स्कैम या फ्रॉड ना हो। आप लोग देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट फाइल करने वाले लोगों में से एक हूँ आज की डेट में इंडिया में। अगर मुझे लग रहा है ये ऑनलाइन ईमेल वेबसाइट्स की रिपोर्ट करने के लिए जो यहाँ बैठा है बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट इन कामों को कर रहा है, तो गाइज़ मेरे पास आज एक भाई का मैसेज आया है जिन्होंने मुझे इस स्कैम के बारे में बताया और जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों की किस टाइप के फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम, इंस्टाग्राम फ्रॉड या अलग अलग फ्रॉड हमारे देश में चल रहे हैं, उनसे मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करिएगा, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैसेज रीड करते हैं कि भाई ने हमें किस टाइप के स्कैम के बारे में मैसेज करें और इनके साथ क्या फ्रॉड होते होते बच गया है या हो गया है। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर, मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, उसने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया बात करने के लिए, और हाँ, 15 जनवरी आई थिंक से वो मुझसे बात करती है, और हाँ, मुझे से बोल रही थी कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ घूमने के लिए, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। अच्छा, मतलब भाई के साथ कोई फ्रॉड हुआ नहीं है, तो वो आपने आपको यूनाइटेड लंदन का बता रही है। अच्छा, वो खुद को बता रही है कि यूनाइटेड लंदन की है, और वो भाई यहाँ इंडिया घूमने आती है, और इंडिया में उसको कोई मतलब टूरिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही, वो रैंडमली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर एक बंदा सर्च कर रही है और उसको बता रही है कि मैं इंडिया आ रही हूँ। आप देखो कि क्या लिटरली कोई बंदा आएगा तो ये आपको कॉन्टैक्ट करेगा इस तरीके से। सर मैं क्या करूँ, मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखी थी, फिर मैंने सोचा सर को ही बता देता हूँ, तो आपने सही सोचा। ये मैसेजेज जो उन्होंने बताया, हाय डियर एम सार्क डिक वन, अब आज सराह डिक, ये पता है ये नाम का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, छोड़ो मैं क्या बोलूँ। यूनाइटेड स्टेट, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूके, और ये 29 साल की है, सिंगल है, और फैमिली ऑफ फोर, मी माई लिटिल, ये वो इसने यहाँ पे लिख दिया। तो गुड मॉर्निंग डार्लिंग, ये सारी बात हुई, ये वीडियो कॉल करती रही, भाई ने उठाया नहीं। गुड आफ्टरनून डियर, हाउ आर यू डूइंग, हैव यू हियर योर लंच, पता नहीं क्या लिख रही है, हियर आपने अपना खाना सुन लिया या मेरी इंग्लिश ही वीक है, पता नहीं। आई वॉन्ट टू विजिट इंडिया फॉर टूरिज्म एंड एक्सहिबिट हिस्टोरिक प्लेस, बट आई डोंट नो एनी वन देयर, आई हैव गॉटन द वीज़ा ऑलरेडी, आई वॉन्ट टू नो इफ यू कैन बिल्ड माई कॉन्फिडेंस इन योर यू एंड इफ यू विल चेंज टू टेक मी अराउंड एंड शो मी हिस्टोरिक सेंटर। मतलब ये है कि इस लड़की को कोई नहीं मिल रहा और ये इंस्टाग्राम पर बंदा ढूंढ रही है कि कोई इसको इंडिया घुमा दे। आप लेवल देख रहे हो, और आप लोगों को यकीन भी हो जाता है सबसे बड़ी बात। यस गुड आफ्टरनून डियर, और ये सारी बातें चली, और इसने ये कुछ अपनी रोमांटिक सी 2-3 फोटो भेज दी। ये फोटो आपने पहले भी मेरी कई वीडियोस में देखी होंगी, और इन फोटो का यूज़ करके स्कैमर्स ने सक्सेसफुली लगभग लगभग एक्सटॉर्शन कर लिया है 8 से 10 लाख रुपए का, जो कि सिर्फ मेरे पास आए लोगों के मैसेज, बाकियों की बात अलग है अभी, जिनको मैं जानता नहीं। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो किसी चक्कर में मत पड़ो, किसी को इंडिया मत घुमाओ, वरना आप घूमते रह जाओगे, ठीक है? और ऐसी चीज़ों से दूर रहो, फोटो देख के फिदा मत हो जाओ, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर या फिर ऑनलाइन किसी भी फ्रॉड के ऊपर, इन वीडियोस को बनाने में मेरा बहुत टाइम जाता है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं, उसके अलावा लगभग पूरा दिन ही चला जाता है, इवन कई बार रातें भी ऐसी निकल जाती हैं जिनमें सोने का टाइम नहीं मिलता। किस लिए? सिर्फ ये FIR ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करने में, ईमेल्स लिखने में। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं जिनसे फ्रॉड हो रहा है ज़्यादातर मासूम लोगों के साथ, उनको बंद कराने में। और आप लोगों को पता है कि इन सारी सर्विसेज के चार्जेस मैं नहीं लेता, क्योंकि जब भी मेरे पास किसी का फ़ोन आता है तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, मैं उससे क्या पैसे मांगूँ, वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पर है कि वो सर्वाइव कर रहा है अभी। तो गाइज इसीलिए अब हालात मेरे भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ऑलरेडी मेरी जॉब जा चुकी है, फिलहाल अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, फुल टाइम फाइट कर रहा हूँ #NoMoreScams, यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हमारे देश में चल रहे हैं। आप भी अपना योगदान इन फाइट्स में दे सकते हैं, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट मुझे डोनेट करके, कोई भी एक छोटी सी टिप मुझे डोनेट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर आपको 2 QR कोड नज़र आ रहे होंगे, उनमें से किसी के भी थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI एड्रेस आ रहा होगा, उसकी मदद से भी आप डोनेट
कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए हुए इस पैसे का भी मैं यूटिलाइज करूंगा इस ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, और जितने भी ज़्यादा फ्रॉड्स हमारे देश में हो रहे हैं उनको रोकना ही नहीं, सिर्फ उनको करने वालों को अरेस्ट करवाने के लिए भी उसका मैं यूज़ करूँगा। और दोस्तों, मेरा साथ दीजिए इन स्कैमर्स को रोकने में और उन मासूम लोगों को बचाने में जो इन स्कैमर्स की वजह से सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तक त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार।